citizen of India having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, language, etc. Thank you. लोक सभा इंतखाबात 2024 में नौजवानों को मजीद फ़ाल बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर परसेंटेज बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवाड़ा की जानिब से स्वीप प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हलमतपुरा में एक प्रोग्राम मुनक़द कराया गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कुपवाड़ा आयुषी सदन के हुक्मनामे के मुताबिक मेगा वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम स्वीप के तहत मजीद इनिशिएटिव्स उठाए गए, जिसमें जैसे हलमतपुरा में आज अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़द किया गया, जिसमें नौजवानों को खुसूसी तौर से ये तलकीन की गई कि उनके वोट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा क्यों होती है और साथ में ये कि किस तरह से और प्रोग्राम को कामयाब कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक इंटरेक्टिव सेशन भी डिज़ाइन किया गया था, जिसमें टारगेट ग्रुप्स को इंस्पायर भी कराया गया कि यंग वोटर्स किस तरह से एक्टिवली डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ साथ में सिक्किट्स भी दिखाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि वोटर्सिपेशन क्यों ज़रूरी है। इस मौके पर बोलते हुए कंसर्न प्रिंसिपल क्लस्टर हेड और रिसोर्स पर्सन्स ने इस बात पर जोर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टोरल लिटरेसी सिटीजन्स में पहुँचानी चाहिए, ताकि लोग इससे ज़्यादा मुस्तफीद हो सकें और डेमोक्रेसी को भी और उस्तवार बनाया जा सके। ये सभी प्रोग्राम क्लस्टर लेवल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हलमतपुरा में मनाया गया, जहां के प्रिंसिपल मोहम्मद यासीन मागरे ने भी इस प्रोग्राम में मजीद बच्चों को सबक आमोज नसीहतें भी की। आज का जो प्रोग्राम है, ये असल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है इस वक्त मुल्क भर में, स्वीप, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये बहुत ही बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है और उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पे आज यहाँ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल हलमतपुरा में एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें इलाका भर के एक कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। हमारे स्कूली बच्चे भी उसमें शामिल थे और स्कूलों से वाबस्ता हमारा अमला भी था, और सबसे अच्छी बात यह है कि अवाम उसमें था, मतलब ख़वातीन थी, मर्द थे उसमें। तो स्पीकर्स जो थे उन्होंने वोटिंग की इम्पोर्टेंस के हवाले से और इस हवाले से जितने भी मसलन इम्पॉर्टेंट इशूज़ हैं कि वोट करने में क्या क्या दिक्कत एक वोटर को आती है, उनको किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने एड्रेस किया है, यानी जो भी सुविधाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रखी हैं, उन सुविधाओं के हवाले से जागरूकता दी गई, अवेयरनेस दी गई है वोटर्स को। तो बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम था, और जो हमारे फ्यूचर वोटर्स थे उनको भी इसमें दावत दी गई थी, उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया और वो भी बहुत ही खुश थे, यानी उनमें भी एक उत्साह का माहौल था कि वोट कोई अच्छी चीज़ है। ये प्रोग्राम जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, हमारी अक्सरियत जो है वोटर्स की, वो वोट तो करते हैं लेकिन कैसे करना होता है, क्यों करना होता है, वो इन चीज़ों से जनरली अवेयर नहीं होते थे। लेकिन इस बार जो ये स्वीप का प्रोग्राम चलाया गया है, इसमें आवामी सतह पर एक ज़बरदस्त, जिसको हम कहेंगे कि एक आगही, एक अवेयरनेस आ गई है वोट के हवाले से और वोट की अहमियत के हवाले से और वोट कास्ट करने के हवाले से, यानी जो टेक्निकलिटीज़ इसमें होती हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा आज हमारा, एक बड़ी तादाद थी लोगों की यहाँ, एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी, उसके वीडियोज़ और उसके फ़ोटोज़ आपने देखे, खुद उठाए भी हैं। तो एक कामयाब प्रोग्राम रहा आज हमारा, हम बहुत ही खुश हैं इस हवाले से। Polling represents thousands, rather lengths of the voters of our country. The man who has crossed 70 years and must have voted 7-8 elections
असेंबलियों से लेकर पाल के कई सारे इलेक्शन में उसने हिस्सा लिया होगा। कहां जाता है, क्या इलेक्शन, मुझे क्या मालूम, मुझे उसके साथ क्या लेना देना। आप इस बुजुर्ग के वोट को क्वालिटेटिवली कहां रखते हैं? अगर इस वोट के अंदर से एक कैंडिडेट जीत सकता है और जीत सकता है, लेकिन क्वालिटेटिवली उसका वोट आता है। The man who does not know why the elections are being conducted, what is the importance of the elections? इसका मतलब है वोट तो उसने दिया लेकिन उसे वोट की कोई मायने नहीं। दरअसल यही चीज एड्रेस करने के लिए, यही लकीरा एड्रेस करने के लिए इस बार ये जो हिस्टोरिक इलेक्शंस हो रहे हैं 2024 में, आप देखिए नन एंड मशीन किस बड़े पैमाने पर है, करोड़ों अरबों रुपये खर्च हो रहा है उस पर, इतनी बड़ी पैमाने पर तैयारी है, कितने मुलाजिमीन इसके साथ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये भी सोचा कि जिसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं उसको भी ये जागरूकता मिले कि भाई आपको पता होना चाहिए ये इलेक्शन जो है ना, ये यूं ही कोई खेल तमाशा नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस एक्सरसाइज है, जिस एक्सरसाइज में मुझे आने वाले 5 साल के लिए अपने लिए एक सरकार चुननी है जो सरकार चलाने के लायक होनी नहीं चाहिए। ये मुझे एक मौका दिया जा रहा है, ये वोट करना जो है ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पहले मैं जज करूं, मेरे सामने अगर 5, 6, 7, 8 के ऑल द रिलीजन कास्ट और रेस एवरीथिंग और राइटली सो वी हैव निकनेम दिस इलेक्शन एंड फॉर द पर्पस ऑफ वोटर एजुकेशन अवेयरनेस एंड देश का महातेवर। जनरल इलेक्शन इज हेल्ड होते हैं एवरी 5 ईयर फॉर to elect 543 members of Lok Sabha. Members elected hote hain directly from among the set of candidates. Aur ek party ko need hoti hai 272 seats to state foreign government and also responsible for conducting free and fair elections. और ये जो स्वीप का इनिशिएटिव है ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिया था ताकि वो इंकरेज करे वोटर एजुकेशन को, वो जो सिटीजन है यहाँ उनको अवेयर करे अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्वीप स्टार्ट हुआ था 2009 में और इसका जो प्राइमरी गोल था वो था इंडिया में बिल्ड करना एक ट्रूली पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बाय इनकरेजिंग ऑल एलिजिबल सिटीजन टू वोट एंड मेक एनी इनफॉर्मड डिसीजन ड्यूरिंग द इलेक्शन। स्वीप का जो प्रोग्राम था वो मल्टीपल जनरल था एज वेल एज टारगेटेड इंटरवेंशन पे था, जो डिजाइन था अकॉर्डिंग टू द सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द स्टेट। इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे, माने मतलब बेसिक गोल Myself is an actor. Today I am going to deliver a speech about SWEEP, Systematic Voters Education and Electoral Participation. Ladies and gentlemen, imagine a country where everyone matters, where every citizen feels empowered to shape destiny of the nation. That is the reason behind SWEEP. SWEEP is not just a program, it is a movement. It is about more than just a passing award. It is about understanding the power of the vote. It is about realizing that each ballot is a vote. But SWEEP is more than just about getting people to the polls. It is about fostering
to advocate for change, who stand up for what is right, and who never lose sight of the power we hold in our hands. Because ultimately, sleep is about more than just elections. It is आपके वोट की अहमियत है, आपकी वोट की बड़ी कदर है, तो इस सिलसिले में हर एक इदारे में ऐसे क्लब्स बनाए जाएंगे, तो इन क्लब्स में सिटीजन्स को इनवाइट किया जाएगा, न्यू वोटर्स को इनवाइट किया जाएगा, फ्यूचर वोटर्स को इनवाइट किया जाएगा, ताकि इन्हीं क्लब्स के जरिए से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इस वोट की कितनी अहमियत है, इस वोट की कितनी इम्पोर्टेंस है। साथ साथ में इस इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के साथ और इलेक्टोरल इस क्लब की निगरानी खुद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विर्चुअली करेंगे कि किस इदारे में किस क्लब ने कितना काम किया है, कितने लोगों को इनवाइट किया है, कितने लोगों को पार्टिसिपेट करवाया है। तो इस सिलसिले में हर एक शख्स को समाज का इलेक्टोरल फ्रंट बनना है, ताकि समाज में जाकर, सोसाइटी में जाकर लोगों को वो ये समझाए, लोगों को मोटिवेट करे कि नहीं, आप अपने वोट डाल सकते, इस वोट से आप सरकार बना सकते, नई सरकार चुन सकते हो। तो साथ साथ में इस इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के साथ फिर वॉल मैगजीन्स बनाए जाएंगे, हर एक सरकारी इदारे, चाहे वो स्कूल हो, पंचायत हो या कोई और सरकारी इदारा हो, उस इदारे के सामने फॉर एग्जांपल किसी जगह पे दीवार होगी, उस दीवार मजहब से ताल्लुक तिमने वोट त्रान हक यम फिजिकली फिट तिमने वोट त्रान हक यम दीनाई नश महरूम तिमन वोट त्रान हक कहें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मास प्रमोशन वोटिंग मशीन अच्छन हज दीनाई नश महरूम तिमन बैरली ई भरना बैरली की वोट तिमन तम आए तु सरकार मुलाजिम तु ये बेकी जाए सरकार मुलाजिम इलेक्शन ड्यूटी सत वस्त तम अक्सर तुम वोट बैंक तक नार्मली ग सिकिम तम त्रा तम गोड़ त्रा तम रजिस्ट्रेशन कर बूथ लेवल ऑफिस सबसे मुश्ताक साहब जिन्होंने ऑफिशियली आज की स्वीप प्रोग्राम के बारे में एक जिम्मेदार की हैसियत से यहाँ पे बात की और सबों से ये हलफ लिया, जिसके माने यही थे कि हम फेयरलेसली और विदाउट एनी प्रेजुडिस या विदाउट एनी बायस अपना वोट कास्ट करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे, अपने घर वालों को अवेयर करेंगे। तो इस पर उन्होंने बात की। मरहूम मिन्नत ने जिन्होंने बहुत ही क्लील वक्त में इस अदारे को इतना निखारा, इसको इतना सजाया कि हम फख्र से कह रहे हैं कि अगर हमें जिला भर में कोई स्कूल नंबर एक पर देखना होगा तो उनकी काविशों से हम इस अदारे को देख रहे हैं। इसमें कोई तासुब की बात नहीं है, इसमें कोई मुबारक आरई नहीं है। मैं दावत देता हूँ अदारे के सरबरा मोहतरम मोहम्मद यासीन मागरी साहब को। सर, आप तशरीफ लाए और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से तफसील से आपकी बात होगी। मोहतरम मोहम्मद यासीन मागरी साहब अदारे के सरबरा और कलस्टर हरमत पोरा के पूरे कलस्टर के सरबरा मोहतरम मागरी साहब। लोकसभा इलेक्शन के लिए हमें हर एक सिटीजन को, हर एक शहरी को, हर एक शख्स को जो वोट देने के काबिल है या ना भी है, जैसे कोई ना भी ना है, जैसे कोई माजूर है, उन सभी की वोट पार्टिसिपेशन करानी है। और इस चीज के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है जिसको स्वीप का नाम दिया जा रहा है, जो इस वक्त हमारे इस इंस्टीट्यूशन में भी चल रहा है। और ऐसा भी हो कि ये किसी दूसरे के लिए कोई दूसरा वोट अख्तियार कर जाए, ऐसा मालूम पड़ जाए कि कोई कन्वर्सन कर रहा है, कोई मुलाजिम, इसके लिए स्टोरम एक्शन दी जाएगी। सिर्फ लोगों को अवेयर इस बात पर करना है, लोगों को कर रहा है, जो हर एक वोटर है, जो हर एक आदमी है, भदम भदम हर एक की कोशिश ये रहनी चाहिए कि मास पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। इस चीज के लिए लोगों को उभारना है, उनको आमादा करना है।
तो हम सभी की कोशिश बनाएगी और इसी तरीके का एक ये प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। मुझे लगता है कि हम अपना पूरा फैसला इसमें निभाएंगे। तो बाकी जो भी इस मौके पर रोशनी डालनी थी वो डिफेंस स्पीकर से यहाँ पर आकर के डाल दी, ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है। अब मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे कि सेल्फी साहब ने भी कहा ऊपर से हो रहा था कि हम सब इस फंक्शन के अख्तितम पर थोड़ा सा एक जूस की शक्ल में चलेंगे उधर पर, तो ताकि लोगों को पता चले कि वो जो सिर्फ जो है इसके तहत काम हो रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। मोहम्मद यासिर मादरी साहब जिनकी दावत पर आपने आप यहाँ तशरीफ फरमा हुए, आप सभी हजरात का फर्दन फर्दन जो भी यहाँ पे आया, ये एक अहम प्रोग्राम था, आपने इसमें हिस्सा लिया, इसमें चार चांद लगाए, सभी का एक बार फिर शुक्रिया। जैसा कि कहा गया कि अब हम एक जुलूस की शक्ल में और सभी स्कूल से जो आए हुए हमारी सिस्टर्स हैं, मैं आप सबको तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्योंकि वक्त की तंग दामनी को नज़र में रखते हुए मैं मुख्तसर इस टॉपिक पे रोशनी डालूँगा, और मुझे इस बात का बहुत ही अंदाज़ा है कि आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा और आप इसके बारे में जानते भी होंगे। लेकिन चंद एक बातें अर्ज करना चाहूँगा और मैं कोशिश करूंगा मैं कश्मीरी में बात करूँ। जुतामजन इन प्रोग्रामों का ताल्लुक स्वीप SVEET स्वीप सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, एक मुनज़्ज़म तरीके में वोटर्स को जानकारी देना और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में सिखाना कि किस तरह वो फिर अपना वोट डालें। दूसरा बुनियादी मकसद है वो ये है कि जो भी 18 साल के मेल फीमेल या टीजीज हैं वो अपने वोट का इंद्राज कराएं। हमें इस ताक में रहना है कि कब कौन 18 साल की उम्र को पहुंच रहा है, ताकि सकर में अपन वोट करें। तो यूज वोट ट्रावल की राइट इस एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो क्वेश्चन पर हम ये कि अस प्रश्न यहाँ अस बाजू की कोई प्रैक्टिस में शामिल यहाँ करना, तो अस पर इन चीज़ों पर ख्याल था कि कुछ बाइक या सोई सिस्टर या दो इलाकों जीवो अर्धा वो इमेज करना हो बी एल ओ से इंद्राज, ताकि ये कर सब पहले वोट इस्तेमाल यूज ब्याह अहम पहलू सूच इन एन इनलाइटनड एंड इथिकल मैनर, अकिस बाखबर तरीकस मे गोश वोटर आसन अत टेबल यह गोस अकिस बाखबर तरीकस मे तो अकिस बाशमूल तरीकस मे वोट त्रा चूंकि वन वह मगर मे कोर गोर अर्ज वक्त तंग डॉमिनेशन अकिस खास चीज कुन नुम तवजह यु जन सोन ट्रडिशनल सिस्टम वनुक तम कि अकिस नयस आयस मे वोट त्रावान दबा फल सुबह यहाँ गई मलाल चाय चले वोट करें हवाल बहुत वन तुम चु चाय असल पे तुम नीर सोच समझ पुल वोट तमिस हवाल और हर एक इंसान को ये लिबर्टी दे दो, अगर खानदार कैंडिडेट पसंद से त्राई तमिस वोट, खानदारी ब्या पसंद यह गशू आसन कि कुछ साल से जित वा माज पे माता भूल वो अच्छा ख्याल ख्याल रोज बेहतर बस अस जानकारी दी यह वन कह त्रा वोट न कोशिश असल नुमाइंद ब्रोह कुन आन ताकि अस गत वोट त्रे अफसूस कहीं तस् कर निका ब्लैक मेल कहीं तस् आ निका कुछ जासस मज कह रिजनिज्म शिकार गो कास्ट शिकार गो कबूनी शिकार गो कह चीजों जबरदस्त ख्याल थोन बेहतर गुजार सभी कह याद पे।